दोस्तों आज हम इंडियन नेवी की इस एसएससी एंट्री से जुड़ी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड इनकी एज लिमिट शामिल है। तो दोस्तों आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, जिसमें जनरल सर्विस एंड हाइड्रोकार्ड की वैकेंसी के लिए वो अनमेरिड मेल कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक को विथ मिनिमम 60% ग्रेड मार्क्स से क्वालिफाइड किया हो और इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच की होनी चाहिए। एंड इसमें जनरल सर्विस की पोस्ट के लिए 45 एंड हाइड्रोकार्ड की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं अगर बात करें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑब्जर्वर एंड पायलट की पोस्ट के लिए, तो इसमें वो अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स से क्वालिफाइड किया हो एंड साथ में इन्होंने 10th और 12th भी विथ 60% मार्क्स से क्वालिफाइड किया हुआ हो। इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच की होनी चाहिए। एंड इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 4, ऑब्जर्वर के लिए 8 एंड पायलट की पोस्ट के लिए 15 वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पे लॉजिस्टिक की पोस्ट के लिए, तो जिसके लिए टोटल 18 वैकेंसीज दी गई हैं। एंड इसमें वो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एंड इसमें इनमें से किसी भी कोर्स के क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच की, तो इसमें टोटल 18 वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसमें अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। एंड इसमें एजुकेशन ब्रांच के बेस पे वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल ब्रांच की, तो जिसमें केवल नोवल आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए ही मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बाकी पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें दोस्तों इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच की होनी चाहिए। जिसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 27 एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 34 एंड नोवल आर्किटेक्ट की पोस्ट के लिए 12 वैकेंसीज दी गई हैं। एंड बात करें इनकी क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन की, तो यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं इनके ब्रांचेज के बेस पे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा एंड इसमें ब्रांचेस के बेस में एक स्लिप कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, जिसमें लिस्टेड कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग के लिए इनको कंडक्ट कराया जाएगा। देन दोस्तों बात करें इनकी ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे जनरल सर्विस एंड एक्सक्लूसिव एंड यहाँ पे हाइड्रोकार्ड की पोस्ट के लिए यहाँ पे 44 वीक्स की यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है एंड बाकी ऑल ब्रांचेस के लिए 22 वीक्स का ट्रेनिंग यहाँ पे रखा गया है। देन दोस्तों अब बात करें कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप www.joininindiannavy.gov.in पे विजिट कर सकते हैं। देन दोस्तों बात करें इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट की, तो दोस्तों आप इसके फॉर्म को 5 अक्टूबर 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।